अरे वाह वाह वाह, ये सोडे की बोतल की खुलने की आवाज से माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। ओ जी, दिल को पता चल जाता है कि यारों से मिलने का टाइम है। ये बात तो है सोडी, पूरे दिन में यही एक समय होता है जब थकान महसूस ही नहीं होती। हाँ, गोलगप्पे की तरह दोस्तों की गपशप भी बिना रुके चलती रहनी चाहिए, तभी मजा आता है। मतलब जैसे ज्यादा से ज्यादा गोलगप्पे खाने से मन नहीं भरता, उसी तरह दोस्तों के साथ गपशप चाहे कितनी भी हो जाए मन नहीं भरता। वो तो है भाई, आप लोग हैं इसलिए मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। बस बस, भगवान करे कि हमारी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे और हम इसी तरह धमाल मस्ती करते रहे। अरे भाई अब्दुल, सोडा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया हो गया, बस दो मिनट। ओ मेहता साहब, ये बहुत चंगी गल हो गई कि आज आपका घर खाली था, वरना हम यारों का सोडा पीने का प्लान ये बारिश की वजह से कैंसिल हो जाता। सही बात है, पर अंजलि भाभी एक दो दिन में आ जाएगी, फिर हम कहाँ बैठेंगे? अरे पोपटलाल का घर है ना। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा हुआ पोपटलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई। और हाँ, ये जो बारिश के दो तीन महीने है ना, वो तुम कहीं बारगांव मत जाना। अगर जा रहे हो तो चाबी भिड़े मास्टर को देते हुए जाना। अरे आती भाई, जितने उत्साह से आप लोग ये नींबू सोडा की चर्चा कर रहे हैं, उतने उत्साह से मेरी शादी की चर्चा करते तो अब तक मेरी शादी हो गई होती। अरे आप सब प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाए और मेरा घर कभी खाली ना रहे, घर हमेशा बीवी से बच्चों से हरा भरा रहे। हाँ, ये बारिश का मौसम संभाल लो, फिर जरूर प्रार्थना करेंगे। आतिब भाई, नहीं नहीं नहीं, कल 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 से ही हम लोग प्रार्थना शुरू कर देंगे। चिता भाई, अरे आतिब भाई, कल से हम प्रार्थना शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट आते आते दो तीन महीना तो लग जाएगा ना। हाँ हाँ, और तब तक शादी का मौसम चला जाएगा। ए, 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 बारिश का मौसम चला जाएगा। सब बोल। हाँ हाँ, मतलब भाई लो मसालेदार छोड़ा रेडी। थैंक यू। अरे अब्दुल, तुमने आज सोडे का एक ग्लास एक्स्ट्रा बनाया? नहीं नहीं भिड़े भाई, एक्स्ट्रा नहीं बनाया, जितना रोज बनाता हूँ उतना ही बनाया। तो अरे हाँ, अरे आयर नहीं है ना, वो अब्सेंट है आज महफिल में। क्यों अपसेट क्यों है? अरे अपसेट नहीं रही, अपसेंट गई रजर। हाँ क्यों? अलग है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश का मौसम है तो रॉकेट के ऊपर ताड़पत्री बांधने गए हो? ओ जय नलाल, क्या कुछ भी बोला था? क्या बोला तू? मैं रॉकेट पे ताड़पत्री बांधने गया है? अरे यार, झड़ तुम, रॉकेट कितना मजबूत होता है तुमको मालूम है? वो एटमॉस्फेयर को चीर के सीधा स्पेस में जाता है, उसको ताड़पत्री का क्या जरूरत है? नहीं नहीं, बराबर, उड़ते हुए रॉकेट पे तो ताड़पत्री कैसे बांध सकते हैं? और अगर बांध भी थी तो उड़ जाएगी ना। वो तभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वो खड़ा रॉकेट पार्किंग करते हैं ना, तभी की बात कर रहा हूँ कि तभी। जेठालाल, इनफ इज इनफ, तुम हर बार मजाक करता रहता है, तुमको क्या मालूम साइंस के बारे में? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। सब मालूम है मेरे को। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। सोडा सोडा पिए, सोडा पिए, ये मेरा हो आपका है, ये जी ये ले लो, मैंने अभी झूठा नहीं। वैसे अय्यर कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, वो आत्माराम, क्या हुआ कि एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरा मेरे बॉस के साथ में वीडियो कॉल चल रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया। अब आधा कॉल छोड़कर तो मैं आ नहीं सकता ना। नहीं नहीं, बराबर, ऐसे मीटिंग आधी छोड़ के तो नहीं निकल सकता ना, बराबर। ऐसे कौन सा नया प्रोजेक्ट है? जड़ालाल, मैं बोलेगा तो तुमको समझेगा। सॉरी। अच्छा अय्यर भाई, एक
सीधा साधा सिंपल सवाल पूछ सकता हूँ आप? क्या? ये जो सोडा का बोतल होता है उसके अंदर जो सोडा मतलब वो जो पानी होता है, तो बोतल ऐसे खोलते है तो पानी ऐसे ऊपर क्यों उड़ता है? क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से जो ऊपर होता है वो नीचे गिरता है धरती पे है? तो ये पानी उल्टा ऐसे ऊपर क्यों उड़ता है? देखा देखा आप लोगों ने, फिर से मजाक कर रहा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार भाई, तुमको सच में नहीं मालूम है? यार मालूम होता तो मैं पूछता क्यों, आपको सच में नहीं मालूम? तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाया? नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा है सोडा वोडा का नहीं पढ़ाते। जेठालाल क्या स्कूल में सोडा का नहीं पढ़ाते थे? हर स्कूल में सोडा का पढ़ाते हैं। सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3। अरे वो सब होता होगा वो बराबर है, लेकिन आपने ये नहीं बताया पानी ऊपर क्यों उड़ता है? जड़ेलाल ये सोडा है ना, इसके अंदर CO2 होता है। नहीं नहीं पर मेरे सोडे में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं कोई मिक्सिंग विक्सिंग नहीं करता हूं, मेरा सोडा प्योर एक नंबर है। अब्दुल हर सोडे के अंदर CO2 होता है और सोडा CO2 से ही बनता है, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है CO2? अरे अब्दुल CO2 गैस होता है, जैसे हमको हवा दिखाई नहीं देता ना, वैसा CO2 भी दिखाई नहीं देता है। अच्छा जनरल तुम पूछ रहा था ना कि बॉटल से सोडा बाहर कैसे आता है, तो बॉटल से सोडा बाहर CO2 की वजह से आता है। CO2 उड़ चल रहा था। अच्छा समझा, मतलब कुछ भी चीज अगर बाहर लाना है तो उसमें आपका CO2 डाल देने का। हाँ जटिलाल, थोड़ा सा CO2 तुम्हारे दिमाग में भी डाल दो तो तुम्हारे दिमाग में जो कचरा पड़ा है ना वो सब बाहर आ जाएगा। कुछ भी पूछता है, कुछ भी बोलता है कि CO2 डालने से कुछ भी बाहर आ जाएगा, क्या सब चीज में CO2 डालने से कुछ बाहर नहीं आता है? हाँ रिलैक्स है, रिलैक्स। अरे ये जटिलाल यार क्या मैं, अरे बात आता शांत हुआ अयर, तुम मस्त पे की शांति से सोडा पियो, फिर घर जाके सो जाओ, कल सुबह आराम से उठना, वैसे भी कल संडे है। अरे संडे से याद आया, कल मेरे और बबीता के लिए एक स्पेशल डे है, कल तुम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। ओहो गुड न्यूज? हाँ यार, बिना मिठाई की गुड न्यूज, ये तो गलत बात है। करेक्ट जी। डॉक्टर आती, मैं गुड न्यूज के साथ में मिठाई भी खिलाएगा, कल मेरा और बबीता के लिए बस स्पेशल डे है, कल मैं तुम सब लोगों को मस्त गुड न्यूज बताएगा। अरे यार अभी कल की राह क्यों देखनी है, अभी सब जमा है तो बता दो ना गुड न्यूज। अभी नहीं, मैं कल ही बताएगा। अरे यार भाई क्यों जिद कर रहे हैं, बताइए ना। लाल अभी ऐसा बताने में मजा नहीं आएगा, मैं कल ही बताएगा। अच्छा एक काम करते हैं यार, हम सब है ना गुड न्यूज क्या है वो गेस करते हैं, अगर सही गुड न्यूज पकड़ी तो बता देना। हाँ डन डन, तो फिर गेस करो। हाँ तो मेरे हिसाब से तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है। इल्ले तो आपको प्रमोशन मिला है ना, तो फिर तुम और बबीता जी कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो? नहीं 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 ना नहीं। अय्यर ब्रा मैं समझ गया, ओ तुसी पार्टी चाटी के लिए विलायती बोतल लायो है ना? इल्ले इल्ले, तो फिर कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। पपड़लाल उसको बहुत टाइम है,
एक मिनट, अय्यर तुमने कहीं नया घर तो नहीं लिया? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, रश। आप नौकरी छोड़ रहे हो? मतलब आप नौकरी छोड़ के कोई नया बिजनेस कर रहे हो? मैं किधर बिजनेस करेगा? अरे एक मिनट भाइयों, मुझे पता चल गया अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। अरे वाह, क्या 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 बताइए। जेडालाल, तुमको कैसे मालूम हो सकता है हमारा गुड न्यूज क्या है? ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि तुमको हमारा गुड न्यूज मालूम हो। अय्यर भाई, मैं लोगों के चेहरे पढ़ने में एकदम माहिर हूँ। मतलब चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ कि वो आदमी के मतलब अंदर मन में क्या चल रहा है। ओहो, तो चमत्कारी बाबा जेठेश्वर जी, जरा बताने की कृपा करेंगे कि वो गुड न्यूज क्या है? हाँ जरूर। आत्माराम, तुम कहाँ इसकी बात में आ गए? He is bluffing. He doesn't know anything. ये कुछ भी बोलता है। चलो ठीक है, तो अभी मैं सबको आपकी गुड न्यूज क्या है वो बताता हूँ। अगर वो सही निकली तो आप कल पूरी सोसाइटी के सामने आप मुझे ऐसे झुक के ऐसे सलाम करोगे। सलाम मालिक, सलाम, तीन बार। हाँ, सलाम मालिक, सलाम, दो बार हुआ, सलाम मालिक, सलाम। उससे ज्यादा बार अगर आपकी इच्छा हो तो मार सकते, कम से कम लेकिन तीन बार तो आपको सलाम मारनी ही पड़ेगी। ओके, डन। लेकिन अगर तुम्हारा गुड न्यूज गलत निकला तो तुमको भी पूरा सोसाइटी के सामने ऐसा झुककर मेरे को सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम ऐसा करना पड़ेगा। ओके, डन। अरे छोड़ो ना वे। चलो अब चैलेंज लग चुका है तो देखते हैं कि चैलेंज कौन जीतता है। बताओ भाई जेठालाल, अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अय्यर भाई के सामने नहीं बताऊंगा। क्यों? मान लो गुड न्यूज क्या है वो मैंने अभी बता दिया और अय्यर भाई मुझे हराने के लिए अगर पलट गए कि नहीं ये गुड न्यूज नहीं है तो सही बात है। ओ अय्यर ब्रा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? हम जरा अकेले में जेठा प्रा से गुड न्यूज सुन लेते। बारिश में मैं किधर बाहर जाएगा? तुम किचन में चले जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन सुनना नहीं है हमारी बातें। हाँ हाँ, नहीं सुनेगा। जल्दी जल्दी। अरे वो बबीता जी ने वो गाड़ी नहीं जीती थी? वो गड्डा इलेक्ट्रिक, वो बम्पर रामसंग कंपनी का बम्पर इनाम था, वो गाड़ी जीती थी ना, तो वो गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, बराबर। तो मुझे लगता है अभी उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और कल वो गाड़ी आ रही है। अरे हाँ, वाह वाह, ये तो बढ़िया न्यूज है। लेकिन यारो, जेठा प्रा की ये गुड न्यूज सच है या गलत, ये तो अय्यर प्रा ही बता सकते हैं ना। मैं अभी अय्यर भाई को बुला कर आता हूँ। अय्यर भाई, अय्यर भाई, अय्यर, तुम्हारी गुड न्यूज जेठालाल ने हमें बता दी। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे मैं पूरा सोसाइटी के सामने अपना गुड न्यूज बताएगा, तब सबको पता चल जाएगा कि शहर कौन जीता है। सर तो मैं ही जीतने वाला हूँ अय्यर भाई, इसलिए मुझे झुक के सलाम करने के लिए रेडी हो जाइएगा।
इल्ले जेठालाल इल्ले। कल पूरा सोसाइटी के सामने कोई झुक कर सलाम करेगा तो वो तुम करेगा, क्योंकि तुमने जो गुड न्यूज के बारे में सोचा है ना वो होगा ही नहीं। अरे मुझे तो गुड न्यूज से ज्यादा इस बात का एक्साइटमेंट है कि कल शर्त कौन हारेगा और कौन किसे झुक कर सलाम करेगा। हाँ मजा आएगा। क्या पोपटलाल, ये कोई मैटरनी शो है जो तुम इतने उत्सुक हो? चलो देखते हैं 11 बजे कौन जीतता है शर्त और कौन किसको सलाम करता है। चलो फिर निकले थे। एक मिनट जेठालाल, अभी घर जाकर सो मत जाना, प्रैक्टिस शुरू करना। सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम। कैसे कैसे करने का है? ऐसे देखो, ये सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम। वाह वाह, आपको तो प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो एकदम मस्त जम गया है। और मुझे भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। अच्छा चलो ओके ओके चलो मजा आएगा। चलो 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 भाई, अरे तिमाजी क्षेत्री है जेठालाल, अगर तुम्हारी गुड न्यूज गलत निकली तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं नहीं मेहता साहब, मेरी गुड न्यूज गलत नहीं निकलेगी। देखना कल गाड़ी आएगी और कल अय्यर भाई हारेंगे और मैं जीतूंगा। भगवान से तो यही प्रार्थना है कि तुम ही जीतो। मिलते हैं कल 11 बजे। ओके चल, गुड नाइट। अरे वाह, बड़े खुश दिख रहे हैं आप। जेठा भाई ने टाइम के पहले मेंटेनेंस का चेक दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? नहीं वो नहीं बता सकता। बताइए ना, क्या बात है? मुझे तो पता ही है। ठीक है बताता हूँ, लेकिन मैं आधी बात बताऊंगा। अय्यर और जेठा के बीच में एक मस्त शर्त लगी है। शर्त? कैसी शर्त? ये नहीं बताऊंगा मैं। ओ सिखाया, बताइए ना, मैं बीवी हूँ कि नहीं आपकी, मुझे बताइए। दोस्तों के बीच की बातें किसी को भी नहीं बतानी। ओ अच्छा, आपकी बीवी होकर मैं अभी किसी को भी वाली कैटेगरी में आने लगी हूँ ना? अरे ऐसी बात नहीं है माधवी। नहीं नहीं ऐसी ही बातें कर लो मारा। अरे यार दोस्तों के बीच वाली बात है ना, तो यार दोस्तों के बीच में रहने दो ना बात। ठीक है, उनको बोलना कल नाश्ता लंच डिनर भी आपको खिलाए। माधवी, अरे माधवी, अब माधवी तुम तो गुस्सा हो गई। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन कसम खाओ कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ओ, मैं किसको बताने जाऊंगी? बताइए ना, नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। कल सुबह 11 बजे अय्यर सबको गुड न्यूज देने वाला है। हाँ ये पता है मुझे, बबीता जी ने महिला मंडल के ग्रुप पे डाला है ये, लेकिन गुड न्यूज क्या है? वो तो हमें से किसी को भी नहीं पता, लेकिन जेठा का दावा है कि उसको ये गुड न्यूज पता है। ओ, तो जेठा भाई के हिसाब से गुड न्यूज क्या है? जेठा के हिसाब से बबीता जी जो रैमसंग कंपनी की कार जीती थी ना लकी ड्रॉ में, वो कल सुबह 11 बजे आने वाली है। या? और अय्यर की गुड न्यूज क्या है कि हमें से किसी को नहीं पता। तो शर्त ऐसी है कि अगर जेठाल की गुड न्यूज सच निकली तो अय्यर जेठाल को ऐसे झुक के ऐसे सलाम करोगे, सलाम मालिक सलाम, तीन बार सलाम करेगा। और अगर जेठाल की गुड न्यूज गलत निकली, अय्यर की गुड न्यूज कुछ और ही निकली, तो जेठालाल अय्यर को झुक के सलाम करेगा। गुड न्यूज कोई भी हो, लेकिन कल मजा बहुत आने वाला है। आपको कितना मजा आ रहा है? अरे आएगा ही ना, क्योंकि कल पता चलने वाला है कि कौन झुकेगा। क्या? Yes. गुड न्यूज क्या है इस बात पे तुमने जेठा जी से शर्त लगा ली? Yes. अय्यर अगर सच में जेठा जी को पता हुआ गुड न्यूज क्या है तो तुम्हें उनको झुक के सलाम करना पड़ेगा। बबीता ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा गुड न्यूज जेठालाल को पता चले ऐसा कोई चांस ही नहीं है। अरे वो तो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है। देखना चर तो मैं ही जीतेगा। But still अय्यर। बबीता come on, don't worry, चर तो मैं ही जीतेगा। और कल मैं नहीं, जेठालाल पूरा सोसाइटी के सामने झुक कर ऐसा मेरे को सलाम करेगा, देखना। कल अय्यर भाई पूरी सोसाइटी के सामने मुझे सलाम मारेंगे तो बेचारे बबीता जी को अच्छा नहीं लगेगा।
क्या करूं, चैलेंज कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, अभी अगर मैंने चैलेंज कैंसिल कर दी तो अय्यर भाई को लगेगा कि हार के डर से मैं चैलेंज कैंसिल कर रहा हूं। नहीं नहीं, चैलेंज तो चालू ही रहने दो, छोड़ो, जेवा अय्यर भाई ना नसीब बीजू छू। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाय करता है। गुड मॉर्निंग मिडाकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह देर से उठने वालों का नसीब भी उनकी नींद की तरह देर से ही खुलता है। वाह 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 मिडाकर, आज हम लोग जल्दी उठे, आज हमारा नसीब खुलेगा ना। अरे ऐसा नहीं होता है गुगी बेटा, सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नसीब नहीं खुलता है, सुबह उठकर पढ़ाई करने से नसीब खुलता है। वाह 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 भिड़े अंकल। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल हमें क्या नई नई सीख देते हैं ना। सच में फ्रेंड्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर भिड़े अंकल हमारे बीच नहीं होते, नहीं मतलब हमारे साथ अगर इस सोसाइटी में नहीं रह रहे होते, अगर उनके सुविचार नहीं होते, हम कितने भटक जाते। एक्चुअली करेक्ट हो का वर। जाओ जाओ जाके खेलो अभी। भिड़े अंकल, अभी आपने बोला इसके लिए हम लोग खेलने जा रहे हैं, वरना हम लोग पढ़ाई के लिए जाते। ओ, तो जाओ पढ़ाई करो। जा जाओ खेलने जाओ। गुड मॉर्निंग यारा। ओ गुड मॉर्निंग सोड़ी, सुबह सुबह बाहर से कहाँ से? वो आज संडे है ना, तो सवेरे सवेरे नाश्ता लेने गया था, तो मसालेदार अमृतसरी छोले, उस साथ में पनीर के पटूरे, तो घर जाके पटियाला ग्लास लस्सी, तो चल साथ में मिलके नाश्ता करते। मसालेदार छोले, पनीर के भटूरे और पटियाला ग्लास लस्सी, ये सब नाश्ता है? भाई सुन के पेट भर गया मेरा। अरे पिड़ू, सवेरे सवेरे की सुविचार लिखे है तू? पढ़ पढ़। ए वहा पिड़ू, क्या सही सुविचार लिखा है तूने? अगर सवेरे जल्दी ना उठो ना, तो भटूरे छोले नहीं मिलते, खत्म हो जाते ना। क्या बोल रहे हो सोड़ी? पिड़ू, ओए ठंड रहा कि यार, मजाक कर रहे थी। बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा है। बिल्कुल अच्छा सुविचार नहीं लिखा है, ये तेरा सुविचार सुविचार नहीं, हम जैसे लोगों पर अत्याचार है। अभी क्या अभी मिटा ये सुविचार को। अरे भाई पोपटलाल, क्या हुआ तुम्हें सुबह सुबह, क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तेरा इशारा मेरी तरफ है। ये लिख के तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं सुबह देर से उठता हूँ, इससे मेरा नसीब देर से खुलेगा, इसलिए मेरी शादी देर से होगी। अरे शिक्षक होकर तू ऐसे उल्टे सीधे सुविचार कैसे लिख सकता है? कल से ही तेरा सुविचार लिखना कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? ओए शांत हो जा छाताधारी पप्पू, शांत हो जा, क्या बोल रहे तू? अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा है सोड़ी, ये जानबूझ के सब लिखता है। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है सोड़ी, ये मुझे मुंह पर कुछ बोल नहीं सकता है ना, इसलिए अपने दिल की काली बात इस काले बोर्ड पर लिखता है। सुबह सुबह डिब्बे को क्या हो गया है? अर्जेंट मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कि तेरा सुविचार लिखना कैंसिल। ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे ये पोपट, सुबह सुबह कौवे की तरह कहीं कहीं क्यों कर रहा है? देखिए ना चाचा जी, मुझे परेशान करने के लिए ये भिड़ा ने क्या सुविचार लिखा है। क्या लिखा है इसमें, तेरे बारे में क्या लिखा है? चाचा जी मैं कभी कभी देर से उठता हूँ ना, इसलिए मुझे चिढ़ाने के लिए इसने ये सुविचार लिखा है। अरे हम पत्रकार लोग रात रात भर काम करते हैं, देर से घर आते हैं, तो उठने में सुबह लेट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, मैं मेरा नसीब कभी नहीं खुलेगा, मेरी शादी कभी नहीं होगी। अरे ये डिब्बे, पहले अपने दिमाग का ढक्कन खोल। अरे भिंडी मास्टर ने ये सुविचार उन लोगों के लिए नहीं लिखा है जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए लिखा है जो काम नहीं करते, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, जो आलसी होते हैं, और पूरा दिन आराम करने के बाद भी दूसरे दिन सुबह लेट उठते हैं। अरे गुजराती में कहावत है, राते वेला जे सुए, वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे, सुख मा रहे शरीर। कल्ला पोपटलाल,
बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। अरे पहले सोचो तो सही, समझो तो सही। अभी समझा कि नहीं? हंस तो गए। अरे चाचा जी मैं पत्रकार हूँ, मैं पहले ही समझ गया था, मैं मजाक कर रहा था इसके साथ। भिड़े को सताने में बड़ा मजा आता है। तू भिड़े के साथ मजाक कर रहा था? तेरी आवाज सुन के मैं भागते हुए बचा, ऐसा मजाक करता है कोई? चाचा जी शांत हो जाइए, पप्पू की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? सॉरी? हाँ जिसको बोलना चाहिए तो बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़ा है। सही डिब्बे सॉरी बोल। बोलो बोलो। सॉरी चाचा जी। मुझे नहीं भिड़े को बोल। ए, देखो बोल नहीं रहा चाचा जी। अरे बोल। सॉरी। अरे फिर से मुझे बोल रहा है। अरे उसे बोल। उसी को बोल रहा हूँ सॉरी। ऐसे बिना देखे सॉरी। देखो गुस्से से बोल रहा है चाचा जी। सॉरी। ऐसा दांत उठाओ ने बोला इसे। सॉरी भाई सॉरी। हाँ ये हुई ना बात। चलो मुझे मंदिर जाना है, मैं चलता हूँ। ओके चलो यारो मैं भी निकलता हूँ, आज 11 बजे मिलते हैं। क्या लगता है भिड़े आज 11 बजे कौन जीतेगा? मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कौन बोलेगा सलाम मालिक सलाम। आत्माराम तुम पपड़लाल को सलाम मालिक सलाम क्यों कर रहा है? तुमने पपड़लाल के साथ शर्त लगाया था क्या? हाँ मेरे और भिड़े के बीच में शर्त लगी थी कि आप में और जेठालाल में कौन जीतता है। मैंने बोला कि जेठालाल ही जीतेगा, तो ये तुरंत मान गया और सलाम मारने लगा। आत्माराम अरे नहीं रे बाबा, ये पोपटलाल अभी तुमने बोला ना मजाक नहीं करूंगा, फिर से मजाक कर रहे हो तुम। कुछ नहीं हम लोगों में ऐसी चर्चा हो रही थी कि आज 11 बजे कौन जीतेगा। अरे वह तो मैं ही जीतेगा ना। अच्छा मतलब गाड़ी आने वाली ये गुड न्यूज नहीं है? ये क्या हो? अरे जेठालाल वाली गुड न्यूज क्यों पता ही? अच्छा मतलब जेठालाल ने तुमको ये बोला है कि ये गुड न्यूज है कि 11 बजे बम्पर ड्रॉ में बबीता ने जो कार जीता था वो आने वाला है? नहीं इट्स ओके इट्स ओके, थैंक यू आत्माराम, थैंक यू सो मच, थैंक यू पटलाल, थैंक यू सो मच। मतलब ये गुड न्यूज नहीं है यार? इल्ले नहीं गुड न्यूज ये नहीं है। अरे अच्छा क्या है बताइए ना। वो गुड न्यूज ये है कि गुड न्यूज में 11 बजे पूरा सौदाड़ी के सामने बताएगा, और गुड न्यूज सुनने के बाद जयडालाल पूरा सौदाड़ी के सामने मेरे को सलाम मालिक सलाम करेगा। अभी मेरे को गुड न्यूज का तैयारी करने के लिए बाहर जाना है, तो 11 बजे मिलते हैं ओके? ये क्या कर दिया पोपटलाल तुमने? क्या किया? क्या किया क्या? जेठालाल वाली गुड न्यूज की बोली? वो निकल गया इनोसेंटली। इनोसेंटली? चल गलती से निकल गया भाई, लेकिन अगर मेरे मुंह से गुड न्यूज नहीं निकलती तो भी जेठालाल ने जो गुड न्यूज बताई वो गुड न्यूज तो है ही नहीं ना। तो अभी अभी जेठालाल हारेगा और अय्यर को सलाम करेगा। तो अभी जेठालाल को जाके बोल देते कि तुमने गलती की है। तो उससे क्या होगा, उससे अच्छा है जेठालाल को जाके ये बोलते हैं कि वो जो सोच रहा है वो गुड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज कुछ और है। हाँ सच सच। गिर जंगल सफारी माँ 15 सिंहों ने निहाड़ी, प्रवासियों थया खुश। अरे खुश केम थवाय भाई, सिंह जोई ने बीक लागे। देखो बेचारा शांति से बैठ के अखबार पढ़ रहा है। अरे अखबार पढ़ना बंद करो जेठालाल। एक पत्रकारों का तुम ये बोल रहे हो? हमेशा बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी के लिए पढ़ना बंद करो और हम जो कहने आए वो ध्यान से सुनो। अच्छा बोलो। बेटा 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 क्या बोल? मैं क्यों बोलू, तुम बोलो।
अरे बोलना। लेकिन मैं क्यों बोलूं? गलती तुमने की है। ये ऐसे नहीं है, गलती दोनों से हुई है। दोनों से कैसे? माना कि गलती मुझसे हुई है, लेकिन मेरी गलती को छुपाने के बजाय तुमने तो उसे बोल्ड अक्षरों में अंडरलाइन कर दी। तुम कहाँ जा रहे हो? बालकनी में देखने के बाहर क्या बारिश बारिश हो रही है क्या? जो तुम दोनों को शांति से बैठ के कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ आके बातें कर रहे हो। तुम बातें करने नहीं आए, तुम्हें बचाने आए हैं। किससे? अय्यर भाई से। क्या मतलब? मतलब हमें पता चल गया है कि तुमने हमें जो गुड न्यूज बताई है वो गुड न्यूज है ही नहीं। क्या? तुम्हें कैसे पता? अय्यर भाई से। अय्यर भाई ने सामने से बताया तुम्हें कि उनकी गुड न्यूज क्या है? नहीं नहीं, नहीं। तो कैसे पता चला? हमें इतना पता चला है कि तुमने जो गुड न्यूज गेस की है वो गुड न्यूज है ही नहीं। हाँ वही पूछ रहा हूँ कि वो पता कैसे चला? वो ये बताएगा। नहीं नहीं उसको छोड़, तू ही बता भाई। हाँ ये समोर ओखला भाई। हाँ इसने अय्यर को बता दिया कि तुमने हमें कौन सी गुड न्यूज बताई है। गलती से मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे गलती से मुंह से निकल गया? अभी तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे पूरी सोसाइटी के सामने अय्यर भाई को सलाम मालिक सलाम सलाम मालिक सलाम करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अरे क्या कुछ नहीं होगा? अभी तो अय्यर भाई को पता चल गया ना कि मैंने जो गुड न्यूज का अंदाजा लगाया था वो है ही नहीं, मतलब मैं हार गया। शेखालाल जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अरे क्या इसमें अच्छा क्या हुआ? बोलना तू काहे बसना है? क्या करूं मतलब? अरे पता चल जाएगा ना कि अय्यर ने हमसे सच बोला कि झूठ। लेकिन अभी ये पता कैसे लगाऊं? जेठालाल अय्यर भाई गुड न्यूज की तैयारी करने के लिए घर से बाहर गए। तुम बबीता जी को फोन करके आइडिया से पता लगा लो कि गुड न्यूज क्या है। बराबर ना भिड़े? हाँ बराबर बराबर। चल तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तैयार होने, 11 बजे आना है ना, आना पड़ेगा ना। चल आता। जिठा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन, आप बताइए। अच्छा ओ अय्यर भाई ने बताया हाँ, आज तो जो गुड न्यूज देने वाले हैं। हाँ तो क्या है बबीता जी के? ओ गुड न्यूज के लिए मुझे आपको एक बढ़िया सी गिफ्ट देनी है, लेकिन वी क्या है के बिना जाने वो गुड न्यूज क्या है मैं गिफ्ट लेके आया और वो प्रसंग के अनुरूप नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा तो मुझे जानना है वो गुड न्यूज क्या है। वेल नाइस ट्राई हाँ जेठा जी। हैं? मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि गुड न्यूज क्या है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है गुड न्यूज को लेके आपके और अय्यर के बीच में शर्त लगी है। आपको किसने बताया? ऑफ कोर्स अय्यर ने। बता दिया आपको? अच्छा अच्छा तो बबीता जी अपनी जो दोस्ती है उसके नाते आप एक मुझे छोटे से हिंट नहीं दे सकते? नहीं जेठा जी सॉरी। नहीं 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 बराबर बराबर बराबर, जब आपको पता है कि मेरे और अय्यर भाई के बीच में शर्त लगी है तो आपको मुझे बताना ही नहीं चाहिए। बराबर है बबीता जी, I expect you। आदर आदर सम्मान है मुझे आप पे। रिस्पेक्ट, यू मीन रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट यू, हाँ सॉरी रिस्पेक्ट यू। ओके जीरा जी बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कभी क्या करूं, कैसे पता लगाऊं अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है? बता साहब। अरे पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आता हूँ जरा मेहता साहब के घर पे जाके। पापा पहले आप गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा लीजिए फिर जाइए।
तो जलेबी फाफड़ा लेने गया था? हाँ, हमारे ग्राउंड के सामने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा बन रहे थे तो मैं लेके आया। एक काम कर, तू मेरे लिए और मेहता सबके लिए अलग से निकाल के दे दे, मैं वहीं उनके साथ नाश्ता कर लूंगा। ठीक है पापा। अरे वाह, ये मस्त हो गया। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा के मेहता सबको मस्त आइडिया आएगा मुझे जिताने का। ये लीजिए पापा। हाँ ला, थैंक यू, चल। अरे जेठा, आओ आओ। मेहता साहब नाश्ता हो गया? नहीं, क्यों? अरे वने, मैं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, आओ आओ। हाँ, बैठो। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और आज तो डबल धमाका हो गया। डबल धमाका? अरे हाथी भाई के घर से भी मेरे लिए नाश्ता आने वाला है। वो तो आप ये नहीं खाएंगे? खाऊंगा ना, ये भी खाऊंगा। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, मेरा बाकी है। अच्छी बात है ना, साथ में नाश्ता करते। कहाँ जा रहे हैं? प्लेट लेने। नहीं नहीं, प्लेट बाद में लाना, पहले। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो अय्यर भाई के साथ जो मैंने शर्त लगाई है, वो मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ। क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे पता है, लेकिन अभी पता चला कि मुझे जो पता है वो गलत पता है। जेठालाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? सीधे सीधे कहो ना, बात क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भिड़े और पोपटलाल को अय्यर भाई सोसाइटी कंपाउंड में मिले, तो बातों बातों में उनको पता चला कि जो गुड न्यूज है वो कार वाली गुड न्यूज नहीं है, कोई और है। तो गुड न्यूज क्या है? वो नहीं पता। क्यों, अय्यर ने नहीं बताया? नहीं ना, इसीलिए अभी हमें कैसे भी करके पता लगाना होगा कि वो अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। अरे यार, क्या मस्त खुशबू आ रही है, पहले खा लूं फिर आइडिया दूं? अरे नहीं मेहता साहब, पहले आइडिया दीजिए तो इनाम में आपको ये खाने को मिलेगा। आ यार मेहता साहब, देखिए 11 बजे से पहले अगर हमने पता नहीं लगाया कि वो गुड न्यूज क्या है, तो मुझे पूरी सोसाइटी के सामने अय्यर भाई को झुक के हो सलाम मारनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए मेहता साहब, प्लीज। ठीक है, कहाँ जा रहे? सोच रहा हूँ। सोचने का बोल के प्लेट लेने मत चले जाना। अजय ठाला, एक काम करें। हाँ, क्या? हम किसी को अय्यर के घर पर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि बातों बातों में अय्यर से पता कर ले कि गुड न्यूज क्या है। वाह, मस्त आइडिया, मस्त आइडिया। किसे भेजे? अब्दुल? नहीं, अब्दुल तो बहुत सीधा और बहुत भोला है, वो नहीं कर पाएगा। किसे भेजें, किसे भेजें, किसे भेजें? हाय अंकल। हाय अंकल। क्या है? हाँ बेटा, मम्मी ने मेहता अंकल के लिए नाश्ता भेजा है, वो देने आया हूँ। हाँ तो रख इधर नाश्ता और निकल। क्या हुआ, रख दिया ना, निकल बेटा। हाँ निकल रहा हूँ। एक गोली, गोली, गोली मत निकल। अरे हाँ बराबर है, चेक कर लो भाई डिब्बे में नाश्ता है कि नहीं। क्या मतलब अंदर नाश्ता है कि नहीं? अच्छा, क्या मतलब? क्यों बेटा, कई बार ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी तो डिब्बा भर के नाश्ता भेजती है लेकिन पहुंचता है खाली डिब्बा? अंदर का नाश्ता रास्ते में तो हबुक कर जाता है। नहीं नहीं जेठा अंकल, ये सब पुरानी बात है, अब से मैंने एक उसूल बनाया है, मम्मी जिसके लिए जो कुछ भी भेजेगी वो सही सलामत उन तक पहुंचा दूंगा। तो रिसीवर अगर ऑफर करेगा तो उनका मान रखने के लिए खा लूंगा, लेकिन रास्ते में नहीं खाऊंगा। वैसे अभी मुझे क्यों रोका है? हाँ, अभी तो मेहता साहब इसने उसूल वाली बात की, तो अभी इसमें होगा नाश्ता, जाने दो इसको। हाँ। जेठालाल, गुड न्यूज। अरे हाँ, गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज बेटा? जलेबी फाफड़ा खाएगा? ई,
इसमें जलेबी फाफड़ा है ना? तभी मैं सोचू जब मैं इधर डब्बा रखने आया तब मुझे स्ट्रॉन्ग जलेबी फाफड़ा की सुगंध आई, फिर मैंने आपको देखा तब मुझे स्ट्राइक हुआ आज तो संडे है तो आपने जलेबी फाफड़ा खाए होंगे तो उसकी खुशबू आपके कपड़ों में बैठ गई होगी और वही खुशबू मुझे आ रही होगी। अरे नहीं नहीं बेटा, जलेबी फाफड़ा यहाँ साक्षात मौजूद है। मैं खा सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू जेट अंकल, थैंक यू सो मच। मैं तो सब जरा प्लेट लेके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लेट की कोई जरूरत नहीं है, प्लेट वेट के चक्कर में मैं पड़ता ही नहीं हूँ। एक मिनट मैं तो गली जरा थोड़ा उसको साइड में रख देते हैं। अच्छा भाई आराम से खा, मतलब थोड़ा है जल्दी। रोको इसे वरना ये सब खा जाएगा। खाने दो मेहता साहब, कोमल भाभी ने आपके लिए कचौरी समोसा सब भेजा है ना, आप वो खा लेना। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अभी नाश्ते के लिए सलाम की चिंता हो रही है। लो। वाह, थैंक यू अंकल, बहुत मजा आया। मजा आया ना? अरे बहुत। बस तो बेटा अभी हमारे काम करेगा। हाँ बताइए ना अंकल, क्या काम है? अरे मतलब मेरा नहीं, जेठालाल का। अरे किसी का भी काम हो बंदा कर देगा। शाबाश बेटा। तो बेटा अय्यर अंकल है ना? हाँ है ना। हाँ, तो वो 11 बजे पूरी सोसाइटी को कुछ गुड न्यूज सुनाने वाले हैं। राइट, आज सुबह सुबह पापा बता रहे थे कि आपके और अय्यर अंकल के बीच एक शर्त लगी है, अगर शर्त अय्यर अंकल जीत गए तो आप अय्यर अंकल को सलाम करोगे और अगर शर्त आप जीते तो अय्यर अंकल आपको सलाम करेंगे। और मैंने भी पापा के साथ एक शर्त लगाई कि आप तो शर्त हार ही जाओगे। ये, ये बेटा ये। मेरा ही जलेबी फाफड़ा खा के ऐसा बोल रहे तू दोस्त? सॉरी सॉरी अंकल, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। बोले ना क्या काम है? हाँ, तो काम ये है बेटा कि तू अय्यर अंकल के घर पे जाके जरा पता लगा के आएगा कि वो गुड न्यूज क्या है। बस समझो काम हो गया। अरे शाबाश शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जा बेटा जा, जल्दी पता करके। हाँ पता करके। हाँ अच्छा सुन सुन सुन। हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। देख बेटा, अय्यर अंकल को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे भेजा है। ऑब्वियस है, मतलब नहीं पता चलेगा उन्हें। मैं अय्यर अंकल से ऐसे गुड न्यूज निकालूंगा जैसे दूध में से मलाई। दूध में से मलाई? हाँ, अरे वो सुबह सुबह मम्मी जब दूध बॉईल करती है ना तो उसमें मलाई जम जाती है, वो मलाई मैं ऐसे खाता हूँ कि मम्मी को पता ही नहीं चलता है। स्मूथ। इनफैक्ट मम्मी तो रोज वो दूध वाले को कंप्लेन करती है कि भैया ऐसा कैसा दूध देते हो जिसमें मलाई नहीं जमती है। बेटा ये तो गलत है, मम्मी को तुम्हें बता देना चाहिए। तो फिर मेरी मलाई बंद हो जाएगी ना। ए, और कितनी मलाई खाएगा बेटा, ये देख कितनी सारी मलाई जमा हो गई है। जेठा अंकल नजर मत लगाइए, बढ़ता बच्चा हूँ, खाने दीजिए ना। जेठालाल इसे जाने दो वरना 11 यहीं बज जाएंगे। अरे हाँ निकल निकल बेटा निकल निकल। हाँ अरे एक मिनट बेटा। नहीं अंकल पैसे नहीं चाहिए। पैसा नहीं दे रहा हूं बेटा। तो क्या हुआ जेठा अंकल, आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? फोन उठा। अरे ऐसे ही बात करते ना, फोन पे क्यों बात करनी? बेटा फोन उठा और चालू रखना। क्यों?
अय्यर भाई गुड न्यूज क्या है वो तुझे बताएंगे, वो मैं यहाँ मेरे फोन पर सुन लूंगा। तो क्या तुझे वो गुड न्यूज के बारे में बताने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बेटा, तू वहीं से सीधा अपने घर जा सकता है। वाओ स्मार्ट, बचपन से टेली। अबे तू जा बेटा जल्दी, जा 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 जा। कॉल को स्पीकर पे रखा? हाँ कर लेता हूँ, और हाँ म्यूट कर दो ताकि हमारी आवाज बाहर ना जाए। वैसे थैंक यू, मैं तो सब मस्त आइडिया सूझा ये गोली वाला आपको। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। जेठालाल अब मैं नाश्ता कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ अंदर नहीं है नाश्ता? है ना। तो खाइए। नहीं खा सकता। क्यों? उबले हुए चने? कोमल भाभी ने आपके लिए उबले हुए चने भेजे? ये पॉसिबल ही नहीं, ये पक्का गोली की मस्ती। एक मिनट फोन देना। नहीं नहीं नहीं, अभी गोली को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अपना काम हो जाने दीजिए, बाद में उसे डांटना। क्या करे किसे फोन कर रहे हैं? कोमल भाभी को। हाँ मैं तो सब बोली। कोमल भाभी आपने मेरे लिए उबले हुए चने भेजे? वो एक्चुअली अंजलि भाभी ने मुझे कसम दी थी कि मैं नाश्ते में उबले हुए चने ही भेजूं, इसीलिए भेजे। सॉरी। हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या जेठालाल जलेबी फाफड़ा तो तुमने गोली को खिला दिया, और मेरे हिस्से में क्या है, ये उबले हुए चने? अरे मेहता साहब टेंशन मत लीजिए, एक बार मुझे शर्त जीत जाने दीजिए, फिर जब तक अंजलि भाभी नहीं आते ना रोज आपको मैं जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगा। ठीक है चलो, अभी जो भी है अभी यही खाना पड़ेगा। तुम खाओगे? अरे नहीं भाई नहीं, आप खाओ। मैं तो अभी अपना फुल ध्यान इस पे केंद्रित करता हूँ कि अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। अय्यर ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। हो गया सारा काम? हाँ सारा काम भी हो गया, और हाँ सरप्राइज का तैयारी भी हो गया, 11 बजे पूरे सोसाइटी को हम गुड न्यूज दे देगा। ग्रेट। और आया आप लोग कोई गुड न्यूज देने वाले हो? हाँ हाँ अभी नहीं, 11 बजे सबको साथ में गुड न्यूज देगा। तो अंकल प्लीज मुझे अभी बता दो ना, प्लीज प्लीज। अरे गोली पेशेंस रखो, अभी 11 बजे हम सबको बताने ही वाले हैं, तो तब सुन लेना ना। Yes? वो एक्चुअली क्या है ना, मम्मी पापा ने जब सुबह मुझे बताया कि आप लोग कोई गुड न्यूज देने वाले हो, तब से मैं सोच रहा हूँ कि वो गुड न्यूज क्या होगी क्या होगी, वो सोच सोच कर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और अगर वो तकलीफ ज्यादा हुई तो मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। मैं इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता हूँ। साइकिल वाला प्रेशर क्या बोल रहे? मानसिक दबाव। अच्छा प्लीज मुझे बता दीजिए ना, अभी मुझे जानना पड़ेगा, प्लीज मुझे बता दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। ओके 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 मैं बताती हूँ, बट हाँ प्रॉमिस तुम किसी और को नहीं बताओगे? हाँ नेवर नेवर। ओके ठीक है। तो गुड न्यूज ये है कि एक मिनट बबीता बोली जरा मोबाइल जरा। क्यों? वो मेरे को एक कॉल करना है, क्या है मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन है तो चार्ज पे रखा है, प्लीज मेरा मोबाइल दो ना। नहीं नहीं मोबाइल दो। अरे क्या हुआ? फोन कट हो गया, गोली ने काट दिया कि अय्यर भाई ने? कहीं अय्यर भाई को शक तो नहीं हो गया? हो सकता है, वरना अय्यर गोली से फोन क्यों मांगता? अय्यर भाई क्या बबीता, क्या डलाल का फोन चालू था?
वो सब सुन रहा था। ये गोली खुद से नहीं आया है, इसको जय दलाल ने भेजा है। ओ, तो जेठा जी ने ये तरीका अपनाया शर्त जीतने के लिए। और गोली तुम क्या बोल रहा था कि गुड न्यूज के बारे में सोच सोच के तुमको तकलीफ हो रहा है? साइकोलॉजिकल प्रेशर तुम हैंडल नहीं कर सकता क्यों? सॉरी। इट्स ओके गोली, नो प्रॉब्लम। और हाँ, जेठालाल को जाकर बोल देना कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन शर्त तो वो ही आ रहेगा। और ये भी बोल देना कि पूरा सोसाइटी के सामने इधर झुक कर सलाम करने के लिए मेरे को रेडी रहे। जी बता दूंगा अंकल। फोन? हाँ ये लो। थैंक यू। बाय 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 गोली, इट्स ओके। बाय। पता चला है भाई? ओ नहीं ना, मतलब अय्यर को पता चल गया कि जेठालाल ने तुम्हें वहां भेजा है। हाँ। कैसे? वो मेरे हाथ पे फोन चालू था, वो उन्होंने देख लिया। फिर क्या, उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीना और फोन कट कर दिया और फिर कहा जेठालाल को जाकर बोल देना कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन शर्त तो वो हारे गए, इसलिए पूरे सोसाइटी के सामने ऐसे झुक के सलाम करना पड़ेगा। ऐसा बोला? जेठालाल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें 11 बजे से पहले गुड न्यूज के बारे में पता चल पाएगा। अब तो तुम्हें सलामी देनी ही पड़ेगी। ए चुप रहे, एक काम ठीक से नहीं कर सकता। जेठा अंकल, लेकिन ये मेरा रोज का काम थोड़ी है। पर आप ऐसे बच्चे पे कैसे भड़क सकते हो? बच्चा? तू बच्चा? अरे शर्म नहीं आती अपने आप को बच्चा बोलते हुए? साला अय्यर का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहे हो? जा बेटा जा जा जा। थैंक यू मेहता अंकल। अबे जाने जाते हो तो। बाय बाय। एक तो जलेबी फाफड़ा भी खा गया और काम भी नहीं किया। तो क्या जरूरत थी शर्त लगाने की? मजा आएगा, मजा आएगा, आ गया मजा। अब देना सलामी पूरी सोसाइटी के सामने अय्यर को। अगर तुम्हारा गुड न्यूज गलत निकला तो तुमको भी पूरा सोसाइटी के सामने ऐसा झुककर मेरे को सलाम मालिक सलाम ऐसा करना पड़ेगा। ओके डन। चलो। कहाँ? चलो मतलब घर जाओ, जाके तैयार हो जाओ, 11 बजे वो गुड न्यूज जाननी है ना। जाओ जाओ, तैयार हो जाओ सलामी देने के लिए। क्या चाचा जी इंतजार करेंगे? जाओ जाओ जाओ। आ गया? हाँ। मैं तो उसको जलेबी फाफड़ा खिला लिया। हाँ। क्या हुआ, तुझे जलेबी फाफड़ा खाने नहीं मिला? मैं तो अकेले ही खा गया। नहीं, मैंने भी खाया थोड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। हुआ तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। इज्जत का भाजी पाला। क्या सोच रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ तो जा फटाफट तैयार हो जा, 11 बजने वाले। तो अरे क्या, तो अरे 11 बजे अय्यर और बबीता बेटी की सरप्राइज जाने नीचे नहीं जाना है? आप भी आ रहे? हाँ तो मुझे अय्यर ने खास फोन करके बुलाया है और कहा है कि आप तो जरूर आना। अय्यर भाई, अब तो लगता है पूरी सोसाइटी वालों के साथ साथ बापूजी के सामने भी मेरी इज्जत का भाजीपाला बनाने का प्लान किया है अय्यर भाई ने। फिर कुछ सोच रहे?
क्या सोच रहा है, इतना नीचे नहीं जाना? नहीं। क्यों, तुझे नहीं बुलाया? नहीं बुलाया तो है। हाँ तो जा जा, फटाफट तैयार हो जा, बुलाया हो तो जाओ ऊपर, सारू ना लग। हे भगवान, मदद करो प्लीज, 11 बजने से पहले अय्यर भाई की सरप्राइज का पता चलवा दो प्लीज। बबीता, और कितना टाइम, हमको लेट हो रहा है। I'm ready. चलो चलो चलो, 11 बजे सब लोग नीचे आ जाएंगे। ग्यारह बज रहे हैं और मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि अय्यर भाई और बबीता जी क्या गुड न्यूज देंगे। वैसे कार वाली गुड न्यूज नहीं है तो पता है, भी देखते हैं गुड न्यूज क्या है। गुड मॉर्निंग भाभी भाभी। गुड मॉर्निंग पोपट भाऊ जी। क्या लगता है पोपटलाल, जेठालाल ने पता लगा लिया होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर पता लगा लिया होता तो हमसे पहले कंपाउंड में आकर नाच रहा होता। ये भी है। वैसे मजा आएगा देखने में, जेठालाल और अय्यर भाई में से कौन शर्त जीतता है और कौन किसको सलाम करता है। गुड मॉर्निंग माधवी भाभी। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग पोपटलाल भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग आदित्य भाई। बबीता और अय्यर भाई की गुड न्यूज के बारे में सोच के तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ मुझे भी, और ये लोग तो शर्त को लेके एक्साइटेड है। शर्त? कैसे शर्त? अरे हाँ, आपको पता नहीं है ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ। सही बात है, तो अब देखना ये होगा कि जेठा भाई अय्यर को सलाम करते हैं या अय्यर जेठा भाई को सलाम करता है। ये बड़े हो गए लेकिन इन लोगों का बचपना नहीं गया। आइए आइए मेहता साहब आइए। ओहो वाजी वाह, सत श्री अकाल द कोविड ऑल। वाजी वाह, सारे आ गए मैदान में ये जानने के लिए कि अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। मेहता साहब, तुहाडा जजमेंट की कहंदा है कि कौन शर्त जीतेगा, कौन हारेगा और कौन किसको सलाम टोकेगा? टोडी, मेरे परम मित्र की परेड निकलने वाली है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मेहता साहब ऐसा बोल रहे हैं मतलब कंफर्म जेठल को पता नहीं चला है। मैंने पहले ही बोला था ना। नहीं नहीं मेहता साहब, वो क्या है ना, लाइफ में थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो होनी चाहिए। ढोल लाने का ख्याल मेनू क्यों नहीं आया? अरे लेकिन ढोल क्यों लाया? अरे बीड़े अंकल, गुड न्यूज है, चाहे कुछ भी हो हमें तो सिर्फ मजा ही करना है। वाह। करेक्ट गोगी, देखना आज का दिन बहुत ही यादगार होगा। आज तो बस धमाल करेंगे। यहाँ पे टप्पू धमाल करेगा और यहाँ पे जेठालाल सलाम करेगा। मतलब? अरे टप्पू, मैं तुझे बताना ही भूल गया। एक्चुअली क्या हुआ है ना, जेठा अंकल और अय्यर अंकल के बीच गुड न्यूज गेस करने की शर्त लगी है। जो भी ये शर्त हारेगा ना, वो जीतने वाले के सामने झुक कर सलाम करेगा। तो शर्त हार कौन रहा है? अभी तो लग रहा है कि जेठा अंकल ही शर्त हारेंगे। नहीं नहीं गोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा कच्ची माड़ू है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर शर्त जीत ही जाएंगे। अरे चलो चलो फ्रेंड्स, एंट्रेंस पे जाके खड़े होते हैं, जैसे अय्यर अंकल बबीता आंटी आए हम लोग सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे। क्या भगवान, राह देख रहा हूँ मैं अभी भी, मदद आई नहीं आपकी? कीजिए ना कुछ, कीजिए ना प्लीज, क्या कि एक बार पूरी सोसाइटी के सामने अगर झुकना पड़े तो मैं बिंदास झुक जाऊंगा, लेकिन बापूजी के सामने अय्यर भाई को झुक के सलाम करना, मतलब यह दृश्य देख के बेचारे बापूजी को कितनी तकलीफ होगी है? और क्या कि अभी मैं सोसाइटी से भाग भी नहीं सकता हूँ, सब उत्साही गोकुलधाम वासी नीचे कंपाउंड में जमा हो गए होंगे। देखे ना कुछ होता है तो देखो ना, मतलब टाइम है अभी भी थोड़ा, प्लीज
गाड़ी इतने आ रही है, अय्यर अंकल और बबीता आंटी आ गए, आप बजाओ ढोल। गोगी ढोल तेरे पास है, तुझे बजाना पड़ेगा भाई। मैंने बताया, मैं अपने आप को ही बोल रहा था। गाड़ी आ चुकी है। अरे अरे आ गए, अरे आइए ना मैं ये तो गाड़ी नहीं टैक्सी है। इसका मतलब अय्यर शर्ट जीत गया। चिठला बोलेगा अभी, सलाम मालिक सलाम। ये ढोल कौन बजा रहा है? ये नक्की अय्यर भाई होंगे। देखो तो पूरी सोसाइटी के सामने मुझे नीचा दिखाने में कितना मजा आ रहा है इनको। एक साइंटिस्ट का ढोल बजा रहे हैं। अंजलि भाभी, तो अंजलि है। अंजलि भाभी जेठिया, जेठिया जी बाबूजी, चल चल जल्दी नीचे चल, लगता है खुशखबरी का कार्यक्रम शुरू हो गया। बाबूजी आप जाइए, मैं आता हूँ। क्यों? ओह हाँ, जल्दी आना। हाँ हाँ, हेलो। अरे वाह, क्या बात है, एकदम धमाकेदार वेलकम किया है मेरा। अरे वाह, वॉट अ सरप्राइज। लाइए अंजलि आंटी, मैं आपका बैग रख देता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, ढोल क्यों बज रहा था? मेरे आने की खुशी में। तारा थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रैंड वेलकम। ये सब तुम्हारे लिए नहीं था? हाँ। तो फिर किसके लिए था? अय्यर और बबीता जी के लिए। हाँ। हाँ। वो क्या है ना, अय्यर और बबीता जी आज एक गुड न्यूज सुनाने वाले। हाँ, तो ये सब उनके लिए है। अच्छा, लेकिन कैसी गुड न्यूज? वो तो अब जब वो आएंगे तो पता चलेगा। और आपको पता है, अय्यर भाई और जेठा भाई में एक शर्त भी लगी है। अच्छा, कैसी शर्त? मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। हाँ। लेकिन अंजलि, तुम तो आज शाम को आने वाली थी ना? क्यों, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं अंजलि, मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सेम थिंग, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए चली है। अरे भाई बच्चों, क्या हुआ, खुशखबरी पता चली? नहीं अभी तक नहीं। नहीं नहीं दादाजी, एक्चुअली हमें लगा कि बबीता आंटी और अय्यर अंकल आए, लेकिन अंजलि आंटी आ गए। बोलो। मतलब अय्यर और बबीता बेटी अभी तक आए नहीं? नहीं चाचा जी। भिड़े, अब तो चाचा जी भी आ गए, मतलब जेठालाल को चाचा जी के सामने अय्यर को सलाम करना पड़ेगा। हाँ। क्या क्या बोला अभी तूने? सलाम? क्या सलाम, क्या क्या सलाम? नहीं नहीं बाबा, कुछ नहीं कुछ। अरे ये जवाब ले ले भाई, क्या सलाम, क्या जवाब दे। वो भिड़ा बताएगा। बिनी मास्टर तू बता। अरे दोनों एक दूसरे को क्या देख रहे हो, जवाब दो, क्या सलाम, क्या। चाचा जी शांत हो जाइए, बहुत छोटी सी बात है। अरे लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। चाचा जी, कल जेठालाल और अय्यर के बीच में शर्त लगी थी। कैसी शर्त? अय्यर की गुड न्यूज के बारे में। वो हुआ ये कि अय्यर गुड न्यूज बताने वाला था, जेठालाल ने उससे कह दिया कि वो गुड न्यूज के बारे में जानता है, और उनके बीच में शर्त लग गई। फिर क्या, जेठालाल को लगा कि बबीता जी ने जो बम्पर प्राइज में कार जीती है वही गुड न्यूज अय्यर भाई देने वाले हैं। हाँ, लेकिन अय्यर की गुड न्यूज कार वाली है ही नहीं, वो कोई दूसरी गुड न्यूज है।
तो वो गुड न्यूज क्या है जानने के लिए हम सब यहाँ पे हैं। सही बात है। मतलब बबीता बेटी की कार गुड न्यूज नहीं? नहीं, इसी वजह से जेठालाल शर्त हार गया है। लेकिन सर किस चीज की लगी थी? यही कि दोनों में से जो हारेगा वो जीतने वाले को सलाम करेगा। दाकुल कसकर सलाम कैसे करेगा वो भीड़े बताएगा। हाँ वो ऐसे सलाम मलिक सलाम ऐसे झुक के 3 बार बोलेगा और हालात को देख के लग रहा है कि अय्यर शर्त जीतेगा और जेठालाल शर्त हार जाएगा। अच्छा, इसलिए वो अभी मेरे साथ नीचे नहीं आया। चाचा जी आप ही जेठा को बुलाइए ना नीचे, शायद सलाम करना पड़े, इस डर की वजह से वो नीचे नहीं आ रहा। हाँ चाचा जी जेठा भाई को बुलाइए। ए जेठिया, ए जेठिया। अरे बाप रे, लगता है बापूजी को सब पता चल गया। जेठिया। हेलो मेहता साहब, जरा बापूजी को साइड में ले जाके फोन दीजिए ना। चाचा जी क्या है? साइड में आइए ना। क्यों? आपके लिए फोन है। हेलो चाचा जी, जरा धीरे से बात कीजिए ना। क्यों, किसका फोन है? अब बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? बापू जी मैं हूँ। अभी जेठाल को दोनों तरफ से आवाज आ रही होगी। अरे मैं कम से तुझे नीचे बुला रहा हूँ और तू फोन कर रहा है। निशा, अभी के अभी नीचे आ। आया 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 बापू जी, आया अभी आया, अभी आया बापू जी, आया आया। ले धीरे धीरे, नहीं बोल सकते थे जेठिया का फोन है। ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? तूने अय्यर से शर्त लगाई है? अरे मुंह में मंत्र क्या पड़ रहा है, जवाब दे, तूने अय्यर के साथ शर्त लगाई है या नहीं है? क्या? हाँ। अरे ऐसा जोर से बोलना, और शर्त लगाई है तो उसका स्वीकार कर। अरे तू कच्ची माड़ू है, कच्ची माड़ू होके डर के घर में क्या बैठ गया था? अरे दोस्तों में तो ऐसी शर्त लगती रहती है। अरे हार गया तो भी क्या है, तेरी वजह से थोड़ी देर सबको मजा आ जाए। हाँ शर्त तो शर्त होती है, बरोबर है। चल जेठिया, अभी हार गया है ना तू, तो तैयार हो जा अय्यर को सलाम करने के लिए। हाँ बराबर है, सलाम तो करना पड़ेगा। सही बात है। अब्दुल। हाँ? तेरी दुकान पर पीठ दर्द वाला मलम है ना? हाँ है, चाहिए आपको? नहीं नहीं मुझे नहीं, अभी जेठालाल अय्यर भाई को झुककर सलाम करेगा तो उसे जरूरत पड़ सकती है ना। अरे नहीं नहीं, जेठा भाई बहुत स्ट्रांग है, उनको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू अब्दुल, पोपटलाल को दे वो मलम। नहीं मुझे क्यों भाई, मुझे थोड़ी झुक कर सलाम करना है। नहीं पीठ के लिए नहीं, तेरे दिमाग के लिए, कपाड़ पे लगाने के लिए। अरे भाई हम सब लोग तो आ गए, लेकिन जो खुशखबरी देने वाले हैं वो अय्यर और बबीता भी टिका रहे हैं। हाँ 11:30 बज गए, अय्यर भाई और बबीता जी आए नहीं अभी तक। हाँ वो लोग आएंगे नहीं तो खुशखबरी कैसे पता चलेगी? सही बात है। मुझे लगता है अय्यर भाई मजाक कर रहे थे, कोई गुड न्यूज होगी ही नहीं। क्योंकि 11:30 बज गए, अभी तक नहीं आए, मतलब कोई गुड न्यूज आई नहीं।
चलो चलो भाई चलो, सब अपने अपने घर जाते हैं। एक मिनट मैं अय्यर भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं। अरे आने तो जो। बबीता जी ने लकी ड्रॉ में चेती थी। ये तो वही कार है। फिर तो मेरा अय्यर भाई ने हमें ऐसा क्यों बोला कि खुशखबरी कार वाली नहीं है? का कौन है? अरे ये तो वही गाड़ी है जो बबीता जी जीते हैं लकी ड्रॉ में। अरे देखा बस क्या अय्यर भाई मेरा अंदाजा सही निकला ना, गुड न्यूज कार की थी ना। मैं सर जीत गया। यस यस आई नो जेठालाल कांग्रेचुलेशन। नहीं खाली कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, सबके सामने मुझे झुककर सलाम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अरे जेठालाल तुम्हारा वजह से बबीता ने कार जीता है, उसका ड्रीम पूरा हुआ है, तो बिल्कुल सलाम करेगा और पूरा सोसाइटी के सामने करेगा। कितने चाल, वाह व्हाट अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। हां हां तो आ जाओ उधर मैदान में आ जाओ। करो अभी सलाम मालिक सलाम। चैलेंज लगा था ना, अभी तक अपना पूरा किया ना। अच्छा यार एक बात बताओ भाई, जब तुम्हें पता था कि जेठाल ने तुम्हारी गुड न्यूज बराबर गेस की है तो हमारे सामने मना क्यों किया? वो आदवाराम इसलिए कि मैं जेठालाल को इजीली जीतने नहीं देना चाहता था। अच्छा लगा ना, कहता लास्ट मोमेंट तक टेंशन में था। अरे नहीं नहीं उसमें टेंशन क्या हो का। अरे ते सोड ना, माझी गैसिंग कशी होती। गैसिंग अप्रतिम गैस केलास तू, कोणाला कळलंच नाही। मग लेकिन जनरल भले ही तुम शर्त जीत गया लेकिन मैं बाजीगर बन गया। बाजीगर? अरे आत्माराम वो शाहरुख खान ने बोला है ना कि कार को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे ये अंकल कार नहीं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा है? हाँ। गोली मेरे को मालूम है लेकिन मैं कार जीता हूँ ना। अय्यर भाई कार आप कहाँ जीते? कार तो बबीता जी जीते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो असली बाजीगरनी बबीता जी है। बाजीगरनी? ये लीजिए आप लोग प्रसाद लीजिए, कार की डिलीवरी लेके हम लोग मंदिर गए थे। अरे। अरे वाह ये भी एकदम बबीता जी जैसे ही है, मस्त। अरे आप लोगों ने हमारे कार का नंबर देखा कि नहीं? हाँ 2928। क्यों कुछ खास बात है? हाँ बिल्कुल, 29 मेरा बर्थ डेट है और 28 बबीता का बर्थ डेट है। ओह वेरी इंटरेस्टिंग, सो थॉटफुल है यार अंकल।
अय्यर भाई मैं क्या कह रहा था, कार तो आ गई पर एक प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? यही कि आपकी कार की डिलीवरी ना बारिश के मौसम के बाद होनी चाहिए थी। क्यों क्यों? वो क्या है कि इतनी बारिश में पेट्रोल की टंकी में पानी चला गया तो। हाँ और एक बात, बारिश में गड्ढे बहुत होते हैं और ये गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी का टायर गड्ढे में चला गया और फट गया तो। हाँ और गड्ढों की वजह से कार का सस्पेंशन भी खराब हो सकता है। पर बारिश में कार के इंजन में भी पानी जा सकता है। ओए तुसी ये कहो जी गल्ला कर रहे हो, ओ ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ अगर ऐसा हुआ तो। हाँ आप लोगों का बात तो एकदम करेक्ट है। एक काम करता हूँ, मैं कार को सोसाइटी ऑफिस के सामने कवर डाल के पार कर देता हूँ। फिर जब बारिश खत्म हो जाएगा तब चलाएगा। अरे अय्यर भाई आप अपनी गाड़ी को यहाँ पार करेंगे और बारिश में गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया तो। हाँ और तो फिर अभी हम क्या करें, कार को घर पे रखे क्या? नहीं नहीं अय्यर घर पे क्यों रखना है, काम करो ना, गाड़ी नई नई है बेच दो, मस्त पैसे आएंगे, उसको एफडी में डाल दो, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। क्या? हाँ ये अच्छा आइडिया है, और अपना सोड़ी हाथों हाथ गाड़ी को बिकवा देगा और दाम भी अच्छे दिलाएगा। क्यों सोड़ी? हाँ गड्डी तो मैं आज के आज बिकवा दूंगा। अरे अरे एक मिनट, अरे भाई इतना मुश्किल से बबीता जी की गाड़ी आई है और आप लोग बोल रहे बेच दो। हाँ मुझे नहीं बेचनी है कार। हाँ हमको भी नहीं बेचना है। अरे तो बारिश में इसका करोगे क्या अय्यर भाई? वो मैंने सोच लिया है कि जब भी ज्यादा बारिश होगा तो मैं ऑफिस के पार्किंग में कार को पार कर देगा और फिर जैसे ही धूप आ जाएगा तो वापस लेके आ जाएगा। That's a very good idea, Ayer. Yes. Ayer अंकल, आप ऑफिस के पार्किंग में गाड़ी पार्क करो, उसके पहले यहाँ भी तो घुमा दो। हाँ चलो राउंड मारते हैं।